नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आइए बुलेटिन की शुरुआत तेज रफ्तार खबरों के साथ। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू, 28 घंटे बाद चांद पर उतरेगा चंद्रयान। इसरो ने कहा तय समय पर होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। इसरो ने लैंडर का नया वीडियो जारी किया, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से ली गई तस्वीर। इसरो का बयान, कहा सिस्टम की चल रही है नियमित जांच। यूपी के वाराणसी में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, बड़ी संख्या में लोगों ने हनुमान मंदिर में किया कीर्तन। यूपी के प्रयागराज में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन और रुद्राभिषेक किया गया, बाघंबरी गद्दी में संतों ने की पूजा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना, दुर्गा मंदिर में लोगों ने किया रुद्राभिषेक। एक्टर प्रकाश राज के खिलाफ पुलिस में शिकायत, चंद्रयान 3 मिशन पर विवादित ट्वीट को लेकर हिंदू संगठनों से बागलकोट जिले में दर्ज कराई शिकायत। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री, दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में का आयोजन। असम में बहुविवाह रोकने के लिए कानून बनाने की तैयारी, सरकार ने आम लोगों से मांगे सुझाव। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में बेल अर्जी लगाने की फिराक में था नाबालिग से रेप का आरोपी डिप्टी डायरेक्टर, वकील के संपर्क में भी था। नाबालिग रेप पीड़िता से मिलने की जिद पर अड़ी डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, दिल्ली के अस्पताल में धरने पर बैठी, पुलिस पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। लाबड़ू इलाके में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान नूह हिंसा के आरोपी वसीम को पुलिस ने दबोचा, पुलिस जवानों का हथियार छीनकर फायरिंग करने का है आरोप। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शुरू की जीत की तैयारी, 2 सितंबर से शुरू होगी चारों परिवर्तन यात्रा, नड्डा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। राजस्थान के चुनावी मैदान में सितंबर के पहले हफ्ते लगेगा दिग्गजों का जमघट, 2 सितंबर को अमित शाह और वसुंधरा राजे होंगे एक मंच पर, बड़ा सियासी संदेश देने की प्लानिंग। मध्य प्रदेश के सागर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई नेता मौजूद। आज मध्य प्रदेश के सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे चुनावी शंखनाद, कमलनाथ ने खड़गे के दौरे को बताया पार्टी के लिए। यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक, कैबिनेट मीटिंग से 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक, सीएम सुक्खू, सभी मंत्री मौजूद, विधानसभा मॉनसून सत्र आपदा पर चर्चा के अलावा कई बड़े फैसलों पर मुहर। कर्नाटक की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आजमा रही है हिंदुत्व कार्ड, सीएम भूपेश बघेल ने डमरू बजाकर निकाली कांवड़, बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना के आगाज की बड़ी घोषणा। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप, कहा हिम्मत है तो पथराव करने वालों को सजा दें नीतीश। इंडिया गठबंधन पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवारी को लेकर मतभेद। के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा 2024 में नहीं खुलेगा समाजवादी पार्टी का खाता। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का विवादित बयान, कहा देश में 22 करोड़ मुसलमान, 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएं तो हर्ज नहीं। ममता सरकार के खिलाफ बंगाल विधानसभा परिसर में बीजेपी नेताओं ने विरोध जताया, जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र की मौत को लेकर किया प्रदर्शन। संवेदनहीन हुई बिहार सरकार, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश के काफिले के लिए रोकी गई एम्बुलेंस। पंजाब के संगरूर में पुलिस और किसानों के बीच हुई थी हिंसक झड़प, प्रदर्शन के दौरान हुई थी एक किसान की मौत, किसानों का प्रदर्शन जारी। संगरूर में बड़ी संख्या में किसानों का प्रदर्शन, पंजाब के 16 संगठन धरना प्रदर्शन में शामिल, कल की घटना को लेकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। चंडीगढ़ में किसानों का हल्ला बोल, पंचकुला जीरकपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों का घेराव, खराब हुई फसल के मुआवजे की मांग। पंजाब के मोहाली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चंडीगढ़ पुलिस ने पंचकुला और मोहाली से लगते शहर के 27 एंट्री पॉइंट सील किए। हरियाणा के अंबाला में पुलिस की तैनाती के बीच किसानों का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में लिया। आबकारी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को विधायक निधि से विकास के लिए पैसा जारी करने की दी इजाजत। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा ने दायर की अग्रिम जमानत की याचिका, लंबे समय से फरार हैं जैनब। लेह में पूर्व सैनिकों के साथ नजर आए राहुल, हाथ में तिरंगा थामे पूरे जोश में दिखे, लोगों का अभिवादन किया। एमपी के ओंकारेश्वर से अयोध्या जा रहे शिवलिंग का उन्नाव में भव्य स्वागत, 600 किलोग्राम वजनी शिवलिंग भव्य राम मंदिर में होगा स्थापित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बीजेपी के पूर्व सरपंच पर नक्सलियों ने हमला किया, अस्पताल में कराया गया एडमिट, 2 दिन पहले किया गया था अगवा।
यूपी के शामली में कई जगह यूपी एसटीएफ की छापेमारी, एक संदिग्ध को हिरासत में लेने की खबर। गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कलीम के घर पर भी छापेमारी। कर्नाटक के मंडिया में किसानों ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे ब्लॉक किया, कावेरी विवाद को लेकर विरोध। टमाटर के बाद दब आसमान पर प्याज की कीमत, कंट्रोल के लिए सरकार ने 40% लगाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, नेफेड के माध्यम से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगी सरकार। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे से मुलाकात के बाद पीयूष गोयल का ऐलान। पंजाब के फिरोजपुर टोल पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का धरना प्रदर्शन, टोल फ्री करने की मांग की। चेन्नई में बड़ी संख्या में टैंकर की वजह से सड़कों पर लगा लंबा जाम, गाड़ियों की लगी कतार, लोगों को हो रही है परेशानी। गुरुग्राम में लाखों की कीमत वाली लैंड रोवर में अचानक लगी आग, सड़क पर चलकर हुई खाक। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी समेत आधा दर्जन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के बड़कोट में हुआ लैंडस्लाइड, सड़क का एक बड़ा हिस्सा पेड़ के साथ नदी में समाया, आवाजाही हुई बंद। लगातार बारिश की वजह से हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पिछले 20 दिनों से बंद है, 2 दर्जन से ज्यादा गांवों पर गहराया खाद्य संकट, जान जोखिम में डालने को मजबूर है। उत्तराखंड के कोटद्वार में लगातार बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, पानी के तेज बहाव में बही कार में मौजूद नहीं था कोई।